जय किसान, नमस्कार, दुआ सलाम। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे हो। मैं हूं इस समय आलू मंडी छिबरामऊ में, और इधर आप लोग देख पा रहे हैं आलू की बिक्री जो है हो रही है। और यहां पर अभी कुल दो दो चार दो छः लगभग 8 ट्रॉली माल जो है इस गली में है। बाद बाकी मंडी जो है आपको जो है बिल्कुल सुनी सुनी सी नज़र आएगी। एक दो टलारी जो है शुरुआत में भी लगी हुई हैं, बाद बाकी तो मंडी बिल्कुल सुनसान है, किसी प्रकार का कोई भी आवक नहीं है। तो आइए जानते हैं यहाँ पर आज जो है कौन सा आलू और किस भाव में बिक्री हो रहा है। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में। आपके क्षेत्र में अब कितना डंप बचा हुआ है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपके क्षेत्र में अभी कोल्ड स्टोरेज ओपन हुए या नहीं हुए हैं, अगर हुए हैं तो किस रेट में हुए हैं आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। इस समय कैलाश मुनीम जी की दुकान पर जो आलू की लाट बिक्री हो चुकी है वो आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ, और आप लोग देख भी पा रहे हो। सामने आपको जो आलू दिखाई दे रहा होगा ये बोरे में पैक हो गया है और इसकी जो है बिक्री हो चुकी है। साहब, आलू की क्वालिटी मतलब बिल्कुल ठीक ठाक है, एक नंबर का है, अच्छा आलू है। और ये आलू जो है, ये आलू देख लो आप लोग, इसकी बिक्री हुई है। इसका भाव जो है कितना रखा है? 910 910 ये 910 रुपए प्रति पैकेट वाला है। 910 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से ये बिका है, 910 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से बिक्री हुआ है। बाद बाकी जो है बिक्री वगैरह मंडी में चल रही है। इधर ये जो है आलू लगे हुए है। अच्छा, ये चेचक वाला क्या हुआ बच्चे? ये देखो फुल चेचक वाला आलू आपको मैं दिखा रहा हूँ, जिनके पास फुल चेचक वाला आलू है वो इस वीडियो जिसको देखे, फुल चेचक वाला आलू है और इसकी यहाँ बिक्री हो गई है। ये 600 रुपए, ये देखो फुल चेचक वाला आलू है, 600 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से बिका है, 600 रुपए प्रति। तो ना हाँ। नहीं यार, हमेशा का मंगा थे जो तो पहले ही मंग रहे हो भाई, जो 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 कलर की मारे बिको सब 670 रुपए, 670 रुपए और वो 680 रुपए वाला है ये फुल चेचक, और 670 ये कुछ थोड़ा मोटा मोटा सा है। इस समय हम अभी जो है आलू आरती भूजो कुमार गुप्ता जी की दुकान पर हैं, और ये जो एक लाट जो है इनकी ट्रॉली आई थी भैया की बिक्री हो चुकी है। यहाँ पर दो ट्रॉली लगी हैं, और इधर देखो ये की बिक्री हो चुकी, वो भी लगी उधर, और ये जो एक लाट भी यहाँ पर पड़ी है इसका बिक्री हुआ अभी। ये देखो अभी ये भी नहीं बिकी है, बाद बाकी मैं बात कर लेता हूँ आरती साहब से थोड़ा। ये भूदेव कुमार गुप्ता जी हैं, तो इनसे जानते हैं मंडी आमदनी कितना, पहले ये बताओ। आमदनी होगी 4 मोटर की। कितनी? 4 मोटर की। 4? आप ज्यादा बता रहे हो, हमें लग रहा 3-4 तो होगी ही, इतनी बड़ी मंडी है नहीं सुनवाई। हाँ, बहुत बड़ी मंडी है, 3-4 मोटर कोई खास बात नहीं है, 3-4 मोटर है। हाँ हाँ, आलू का भाव अब क्या है, क्या समझ में आ रहा है भाव? आलू भैया जब बिक जाए सुबह भाव क्या है, मतलब आज आपकी दुकान पे क्या लाटे आए थे? 3 ट्राली हमने 125 से बेची, और हॉलैंड बेची 1025 रुपए, 925 में। हाँ, 925 सफेद आलू। हाँ, हाइब्रिड था? हाइब्रिड। अरे नहीं, वो सही दाम में होगा। आज आपने 925। हाँ, आइलैंड क्या रेट बेची? 1025। न्यू आइलैंड 1025 मीडियम, तो मीडियम था। अच्छा होगा क्या वो बेचेगा? अच्छा 1050 रुपए, मतलब 1050। हाइब्रिड अच्छा होगा तो? हाइब्रिड का 795 से बिका। अच्छा 795। तो अभी आप लोग जो है आलू मंडी छिबरामऊ का आज की आलू का भाव का वीडियो छिबरामऊ मंडी से सीधा लाइव देख रहे हो। अभी क्या है, आलू मंडी छिबरामऊ में आमदनी की बात की जाए तो दिन पे दिन
आमदनी जो है कम होती जा रही है। और कुछ लोग जो है अब लाल गोल वाले का भाव पूछते हैं, कुछ लोग न्यू हॉलैंड आलू का भाव पूछते हैं। तो अब मंडी में गुना चना आलू जो है ना टोटल हाइब्रिड आलू आता है। हाइब्रिड आलू आने के बाद में हाइब्रिड आलू की बिक्री होती है। इक्का दुक्का लाट न्यू हॉलैंड या लाल गोल की आ जाए वो अलग की बात है, और जो भी आती है वो अच्छी नहीं आती है। यहाँ पर मतलब जो है लाल गोल की भी हमने एक दो लाट कल देखी थी, वो भी निवल आई थी। और न्यू हॉलैंड जो इक्का दुक्का आता है वो मतलब उसकी बिक्री कम इसलिए होती है कि भाई किसी की गाड़ी अब पूरी नहीं होगी तो क्या फायदा न्यू हॉलैंड लेने से। तो हाइब्रिड आलू आता है जितना भी आता है, जितना क्या आता है लगभग लगभग पूरी मंडी में आमदनी ज्यादा से ज्यादा सिर्फ पूरे दिन में अगर अंदाजा लगाया जाए तो अब इस समय 5 मोटर के आसपास की हो पा रही है, 5 मोटर आमदनी होती है। और बिक्री जो है जितने टाइम हो जाए जैसे हो जाए कोई पता नहीं, किसकी दुकान पे किस भाव में बिक जाए कोई पता नहीं साहब। अब जो है आलू का जो है लास्टिंग मतलब बोला जा सकता है कि अब आमदनी जो है धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। और आज जो है आलू का भाव जो है ऊपर में अभी तक मेरे पास जो अपडेट है 925 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से हाइब्रिड आलू की बिक्री हुई है। बाद बाकी 97-97 का कोई बिक्री नहीं हुआ है, कोई 97-97 आलू नहीं आया है। लाल गोल का भी मेरे सामने कोई बिक्री नहीं हुआ है और ना ही उसका कोई क्लियर भाव है। न्यू हॉलैंड आलू जो है कल भी एक दो लाट आया था और आज भी एक दो लाट आया है, उसकी बिक्री 1025 रुपये के आसपास हुई है। बाद बाकी मंडी में जो है इस तरीके से आपको जो है सन्नाटा सा दिखेगा, मंडी में किसी प्रकार का कोई भी आवक नहीं आ रहा है, सभी लोग बाकायदा अच्छे से आराम फरमा रहे हैं। तो अब जो है आलू मंडी छिबरामऊ में बड़ी मुश्किल से 5 मोटर के आसपास की आमदनी आज हमें लग रहा है हुई होगी, और नहीं हुई है तो हो जाएगी। और आलू का भाव ऊपर में सफेद आलू हाइब्रिड आलू 925 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से बिक्री हो रहा है। अब जो है अभी एक कोल्ड स्टोरेज से आज आलू की लाइव बिक्री हुई है, वो वीडियो आप लोगों को मैं थोड़ी ही देर में दे दूंगा, उसमें आप लोग जान पाओगे कि न्यू हॉलैंड आलू की बिक्री क्या रेट में हुई है। तो धीरे धीरे करके आलू आते हैं वो फटाक से बिक्री हो जाते हैं। कल 945 रुपये तक पैकेट हाइब्रिड बिका था, लेकिन आज अभी 925 तक बिक्री हुआ। इधर देखो यहाँ पर जो है लेजम सिंह ट्रेनिंग कंपनी पर भी एक लाट न्यू हॉलैंड आलू बिक्री हुआ है, न्यू हॉलैंड आलू जो बिक्री हुआ है। और इधर जो है एक आध है एक दुकान और है यहाँ पर बिक्री हो रहा है। और ये मंडी का आप जो है बिल्कुल मेन जगह देख रहे हो जहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं, वहाँ पर का ये हाल है। सिर्फ ये 2-3 ट्रॉली लगी हैं, बाकी उसी गली में थी। और यहाँ पर जो है एक लाड न्यू हॉलैंड आलू की जो बिक्री हुई है वो पता करते हैं न्यू हॉलैंड आलू। और बाद बाकी तो अभी यहाँ पर कुछ आलू जो है पड़े भी हैं अभी, ये देखो यहाँ जो न्यू हॉलैंड पड़ी वो बिक गई क्या रेट। ये देखो ये बड़ा साइज का है भी, इसका आलू एकदम बढ़िया है लेकिन बड़ा साइज का है, इस वजह से अभी इसका बिक्री नहीं हुआ है। तो ये हल्का साइज का पड़ा है। और इन्हीं की दुकान पे एक न्यू हॉलैंड आलू जो बिक्री हुआ था वो 1025 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से बिका था अभी।